बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, टेक योर बुक इंग्लिश लैंग्वेज वर्क बुक। ओके, इट्स अ वर्क बुक। टेक दिस बुक एंड ओपन द पेज नंबर, योर फर्स्ट पेज नंबर 7। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज गुड मॉर्निंग। जो जो चैप्टर्स हमने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़े थे, अब उनके बारे में, उनकी एक्सरसाइज वगैरह हम अपने इस वर्कबुक में करेंगे। एक्सरसाइज हमने वहाँ भी की थी, बट शॉर्ट एक्सरसाइजेस आपको यहाँ भी करनी है। सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट चैप्टर? गुड मॉर्निंग। ओके, सो इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज वी हैव टू डू। व्हेन डू यू से गुड मॉर्निंग? टिक द करेक्ट आंसर। आप गुड मॉर्निंग कब कहते हैं? आपने सही आंसर पे टिक करना है। दे हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस। 3 उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सही पे आपने टिक करना है कि आप गुड मॉर्निंग कब कहते हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट वन? व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हैं। नंबर 2, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से वापस आते हैं। और व्हेन यू गेट टू स्लीप एट नाइट, या रात को सोते वक्त। तो हम किस टाइम गुड मॉर्निंग कहते हैं? नंबर 1, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। ओके, सुबह जब हम उठते हैं तब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो यू विल टेक दिस वन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। इट्स ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, द कॉकरेल क्रोज एट नाइट, जो मुर्गा है क्या वो रात को बोलता है? नो, सो दैट्स फॉल्स। राइट एफ, फॉल्स। ओके, नंबर 2, वी से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हम सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। यस, ट्रू, टी। नंबर 3, इट इज नॉट वाइज टू स्लीप अर्ली, यानी जल्दी सोने में आपकी कोई समझदारी नहीं है। क्या ये सही है या गलत है? ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग, क्योंकि आपको जल्दी सोना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और फ्रेश हों। ओके, सो द फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड वन। कंप्लीट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम याद है गुड मॉर्निंग वाली? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू कैन टेक योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर द लाइन लाइन। दिस इज द ओनली वे टू बी, इट्स हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके, हेल्दी। You can take your textbook and see the answer. Wealthy, wise. Okay? This is the way, only way to be healthy, wealthy and wise. Okay? So, let's move to the last exercise. What is it? Rhyming words. Here you have to write some rhyming words. What is the number 1? Rise. Rise. So, the rhyming word for it will be wise. Rhyming words means jinki awaazein ek jaisi hoti hain but spellings different hote hain. Rise, wise. Healthy, wealthy. Wealthy. Okay? Then throws, grows. Throws, grows. Okay? Have a look at it, students. And write down. So here we have finished our exercise of good morning. Now we will move to our next page, page number 8. So here is the our next chapter. Maybe you remember. Yes, Sara and the Stray Pup. This was our chapter.
जिसमें आपने सारा का और एक बेगर पप के बारे में पढ़ा था, जो सारा को रोड पे मिला था और उसने फिर उसको घर ले गई थी, उसको दूध दिया था उसने और फिर उसको इंजेक्शन भी लगा था एक वेट से, वेट यानी जानवरों के डॉक्टर से. ओके सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. राइट द करेक्ट वर्ड अंडर ईच पिक्चर, चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर हेल्प बॉक्स, सी दिस वन. ओके, दे हैव गिवन यू वर्ड्स हियर, फ्रॉम हियर यू हैव टू सी एंड राइट डाउन द नेम्स अंडर द पिक्चर. सो व्हाट इज फर्स्ट वन? इट्स पप, दिस वन पप. सो लेट्स राइट पी यू पी पप. ओके नेक्स्ट, हु इज दिस? इट्स अ डॉक्टर हु इज लुकिंग फॉर द पप. सो द डॉक्टर ऑफ एनिमल्स इज वेट. वेर इज वेट? दिस वन. ओके सो लेट्स राइट वी ई टी वेट. नाउ थर्ड वन, हु इज दिस? द गर्ल, शी इज प्लेइंग विद द पप. सो व्हाट इज दिस? गर्ल. सो वेर इज द गर्ल? दिस वन गर्ल. सो लेट्स राइट जी आई आर एल girl. Okay, now next picture you can see, what is it? What picture is this? Everybody knows, sabko pata hai, it's a ball. Okay, this one ball, b a l l. Okay, ball. Now the last one, who is this? Father and mother. This one father and mother. So let's write father and mother. Yes students, here we have finished this one. Pup, vet, girl, ball, father and mother. Okay, now we will move to next one. It is true and false. They have asked you true and false from the poem, sorry, from the lesson, Sara and the Pup. Yes, what is first one? Sara is a sweet girl. Kya Sara ek pyari si bachi hai? Yes, so tick correct. Then Sheru drinks the milk. शेरू ने दूध पिया था. शेरू के जो सारा थी, जो उसको डॉग मिला था, उसने उसका क्या नाम रखा था? शेरू. ओके सो शेरू ड्रिंक्स द मिल्क. यस नंबर थ्री, मदर इज हैप्पी नाउ. अब जो मदर है वो खुश थी. यस ट्रू. नंबर फोर, फादर हैड कॉल्ड अ वेट. फादर ने बुलाया था वेट को. नो इट्स फॉल्स. ओके फर्स्ट वन इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. हियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन सी, लुक एट द वर्ड्स. इट्स प्लीज, आई एम सॉरी एंड थैंक यू. प्लीज़ यानी मेहरबानी करके, आई एम सॉरी यानी माफ़ी मांगना, थैंक यू शुक्रिया. अब इधर उन्होंने आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं. स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर आर 3 पिक्चर्स. अब इन पिक्चर्स को आपने देख के ये बताना है कि आप कहाँ पे सॉरी, कहाँ पे थैंक यू और कहाँ पे प्लीज़ लिखेंगे. ओके लुक एट द पिक्चर्स. नाउ सी द फर्स्ट पिक्चर. पहली पिक्चर में क्या हो रहा है? गिफ्ट दिया जा रहा है. सो द गर्ल इज गिविंग गिफ्ट टू द बॉय. ओके तो अब जिसको गिफ्ट मिलता है या आप किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, तो अगला शख्स क्या कहता है आपको?
थैंक यू, ओके थैंक यू. अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो आगे से बोलेगा थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके तो इधर हम लिखेंगे थैंक यू. लेट्स राइट टी एच ए एन के थैंक यू. ओके दिस वन थैंक यू. सो थैंक यू दिस इज वेरी नाइस ऑफ यू, यानी आपकी बहुत मेहरबानी है. ओके आपको गिफ्ट मिला है इसलिए आपने थैंक यू बोला है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पिक्चर. अब इस पिक्चर में क्या हुआ स्टूडेंट्स, सी केयरफुली. यस देयर इज अ गर्ल हु ड्रॉप द वाटर ऑन द फ्लोर. एक लड़की है जिससे जमीन पर पानी गिर गया है. तो अब वो क्या बोलेगी अगर आपसे सडनली कोई चीज गिर जाती है या टूट जाती है तो आप क्या कहते हैं. यस सो स्टूडेंट्स बट शी विल से ओह सॉरी आई विल क्लीन इट, यानी सॉरी मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि गलती से उससे गिर गया. सो बट शी विल से सॉरी. सो आई एम सॉरी आई विल क्लीन इट. ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पिक्चर नंबर थ्री. यस स्टूडेंट व्हाट इज इन दिस पिक्चर वी कैन सी. क्लास है और एक बच्चा है जो दरवाजे पे खड़ा है. सो व्हेन एवर यू एंटर द क्लास, आपको जब भी क्लास में दाखिल होना हो और वहाँ पे अगर टीचर हो तो आप उनसे इजाज़त लेते हैं कि टीचर क्या मैं अंदर आ जाऊँ. राइट आप कहते हैं टीचर प्लीज़ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ. सो हेयर वी विल राइट द वर्ड प्लीज़ पी एल ई ए एस ई प्लीज़. ओके प्लीज़ मे आई कम इन. ओके सो स्टूडेंट्स अगेन हैव अ लुक. फर्स्ट वन इज़ थैंक यू बिकॉज गिफ्ट मिल रहा है. सेकेंड वन इज़ आई एम सॉरी क्योंकि उससे पानी गिर गया है. एंड द थर्ड वन इज़ प्लीज़ मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ जाऊँ. ओके सो स्टूडेंट लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. What is it? Yes, here they have given you some words with missing letters which you have to complete. If student, you can take the help from your textbook. आप अपनी textbook अपने पास रख के उसकी help भी ले सकते हैं कि कौन से words आपको ये missing लग रहे हैं. So, the first one is, I will tell you, it's father. Okay? So, here it will come A, F, A, T, then H, then E, and then R. Father. Okay? Father. Number two. I, N, in, then do you remember what was this word? It was injection. Yes. So, we will write J, E, then C, T, then I, then O. I, N, J, E, C, T, I, O, N. Injection. Okay? Now, let's move to another one, number three. What is it? Can you tell me? It is, yes students, what is the third one? Did you see at the textbook? Okay, it's pets. P-E-T-S. Pets. Okay. Number four. It's stray. S-T-R-A-Y. Stray. Yani beggar. Stray. S T R A then last Y, stray. Okay, now let's go to number five. What is it? It's P and P. So missing letter is
U, pup. P U P, pup. Okay. Now number 6, V and T. So what's missing? E, vet. The doctor of animals, vet. V E T. Okay. Father, injection, pets, stray, pup, vet. So let's move to our next page, page number 10. Here are some more missing letters they have given us. So let's see, what is it? So number 7 is our, it's mother. See students, M O T H E R, mother. Okay. Number 8, it's P and A. So it's play. P L A Y, play. Number 9, sweet. It's sweet. Sarah is a sweet girl. Okay. W E, S W E E T, sweet. Then last one, 10, it's milk. I L, M I L K, milk. Okay. Mother, play, sweet, milk. Okay. So now we are on our last exercise, and that is you have to make some words with AT. They have given you AT, you have to make some words. Like first one they have done for us, that. Okay. Now others they have given us some missing the blanks, and we have to make the word. Okay. So first one we will write sat. S-A-T, sat, because we have to make the words with A-T, okay? So, next, mat, M-A-T, mat. Then, the fourth one, think student, if you also know anything, you can write. Rat, R-A-T, rat. Next one, F, F-A-T, fat. Okay, sat, mat, rat, fat. Then last one, cat, C-A-T, cat. Okay students, so here we have finished our workbook, chapter number, unit number 1, where we have done good morning and about this stray, pup and Sarah. Okay students, so do this workbook and read it again. Till then, take care and Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.